वफाकी वजीर अली अमीन गुंडापुर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त की कि उन्हें जिला बदर न किया जाए। वो लिख कर देते हैं कि आइंदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं होंगे। निजी टीवी जियो न्यूज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर अली अमीन गुंडापुर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत हुई। अली अमीन गुंडापुर और उनके वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अली अमीन के वकील ने कहा कि इंक्वायरी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं की गई, तहकीकात हुई है और न ही शिकायत मौजूद है। मैंने माजी में पाकिस्तान में अपना कयाम इंजॉय किया। जेसन रोए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि आपका मतलब क्या है कि आपके मुवक्किल ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। वकील अली अमीन ने कहा कि सियासी कारकुन अवाम की खुशी गमी में शिरकत करते हैं, जहां अवाम उनको अपने मसाइल बताते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी कारकुन से जब आप वफाकी वजीर बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। ज़ाब्ता अखलाक सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनाया बल्कि तमाम सियासी जमातों की मशावरत से तय पाता। अली अमीन के वकील ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई खत्म करे। हम यकीन दहानी कराते हैं कि आइंदा खिलाफ वर्जी नहीं होगी। पीएसएल में आज कौन कौन सी टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जानिए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में अली अमीन गुंडापुर से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया, जो आज ही सुनाए जाने का इम्कान है।